अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज है रमज़ान का आखिरी दिन, यानी कि रमज़ान पूरा ख़त्म हो चुका है और आज शवाल का चांद नज़र आ गया और कल ईद है। अभी रात के तकरीबन 1 बज रहे, तो मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, शेप सेट कराने के लिए। दाढ़ी थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो थोड़ा सा सेट कराएंगे। बच्चे होशियार है, अगर मैं ज़रा भी थोड़ा दूर से बात करा तो लगा उठ जाते, तो मेरा बाहर जाना मुश्किल हो जाता। तो मैं अकेला ही जाऊँगा, बच्चों को नहीं ले जा सकता मैं, क्योंकि अभी लोगों का सोने का टाइम है। महविश भी होशियार है, अजान भी होशियार है, अलीशा तो सो गए। खैर, अलीशा की कोई टेंशन नहीं है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जिद नहीं करते, लेकिन मेन असल अजान है। अजान बहुत ज़्यादा जिद करते, मैं कभी भी बाहर निकलता हूँ बच के निकलना पड़ता, तो उनको देख देख के निकलना है, उनसे बच के निकलना है। तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, पहले शेप बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको, मैं हमारे घर के पास जो लोकल स्ट्रीट्स है, यहाँ पर चांद रात कैसे लगते, यहाँ पर कैसा बाजार सजता, तो वो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं बाहर थोड़ा शेप बनाने के लिए, चलिए। Okay. तो गाइस, मैं सैलून शॉप पहुंच गया, काफ़ी देर के बाद मेरा नंबर आया, क्योंकि आज चांद रात है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश रहता है सैलून शॉप में भी, आपको तो मालूम है। तो काफ़ी देर के बाद मेरा नंबर आया। अभी मैं बाहर निकला था, रोड शेप बना लिया, हुआ क्या बोला तो अभी थोड़ा बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से क्या है थोड़ा चौपट हो गया, कुछ चला के ट्रैफिक है यहाँ पे। इतनी पब्लिक होनी चाहिए उसमें है नहीं अभी, क्योंकि अभी थोड़ा बारिश होने की वजह से पब्लिक घरों को चले गई, तो उस वजह से थोड़ा मज़ा भी नहीं आ रहा। या तो चांद रात की पूरे सुबह तक पब्लिक रहती, फजर के टाइम तक पब्लिक रहती थी, उतनी ज़्यादा पब्लिक है नहीं, जितना एक्सपेक्ट करे थे उतना है नहीं। इंजनमोली वट्टेपल्ली का एरिया है, होल सिटी हैदराबाद। तो आपको ऐसे पब्लिक और ऐसा जो माहौल है, ऐसे यहीं पर देखने को मिलेगा। न्यू सिटी में जाता आपको नहीं दिखता, लेकिन आपको सिर्फ यह एरिया में, रमज़ान हो, रमज़ान में तो सबसे ज़्यादा दिखता था, लेकिन अब तो रमज़ान ख़त्म हो गया। नॉर्मल दिनों में भी जब रमज़ान नहीं रहता तो जब भी पब्लिक रहती, माहौल रहता यहाँ पर, ऐसा बोलते कि रात भर यहाँ पे पब्लिक जागती सोती रहे। और आपको बता दूँ अभी टाइम क्या हो रहा, अभी इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 2:30 बज रहे अभी। ये लो अभी फिर से बारिश शुरू हो गई, आप कैमरे में दिख रही तो नहीं होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई फिर से। अभी रात के तकरीबन 2:45 हो रहे, तो बारिश शुरू हुई, बारिश पड़ के पूरा मज़ा किरकिरा हुआ था यार। वो बारिश नहीं पड़ना था, कम से कम ईद तक तो नहीं पड़ना। हाँ, बारिश की ज़रूरत है, मगर थोड़ा ईद के टाइम पर रुक गई तो अच्छा रहता था। अभी तकरीबन जितने भी कारोबार वाले हैं, उन लोगों का कारोबार मुतासर हो सकता ये बारिश की वजह से। आपको बता दो, मैं कैमरे में दिख रहा हूँ, देखो है ना, कैमरे में उतना दिख रहा नहीं, लेकिन हो रही बारिश अच्छी खासी हो रही। तकरीबन भीग गया मैं, मेरा सर थोड़ा भीग गया, कपड़े भी थोड़े भीगे, लेकिन फिर भी थोड़ा माहौल बताने के लिए निकला मैं। ये 2:45 बजे का माहौल है ये। ओहो, बारिश फुल तेज हो गई, कहीं साइड में रुकना पड़ता है। ठीक है, समरिया पूरा भीग गया मैं, बारिश अच्छी खासी हो रही, लोगों को बता था, अब तो दिख रहा हूँ अच्छे से। एक साइड में रुक गया मैं बारिश हो रही है बोल के। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर बारिश अभी थोड़ा रुकी, रिमझिम रिमझिम आ रही बारिश, थोड़ा रुकी, इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी बारिश की वजह से बाजार की रौनक है क्या है, थोड़ी खिसकी पड़ गई बारिश में, क्या बोल सकते अल्लाह की मर्जी है। बात तो सही है। यहाँ की पब्लिक रात भर सोती नहीं, चांद रात के दिन खासतौर पर, जितने भी अपनी पेंडिंग शॉपिंग है
पूरे आज में आज रात ही कम्प्लीट कर लेते, और ज़रूरी भी है, ईद का मौका है तो लाजमी सी बात है हर चीज़ होना ज़रूरी है। तो उस वजह से पूरा मार्केट खुला है। मैं बोल रहा हूँ ना, बारिश की वजह से थोड़ा माहौल जो रौनक है वो फीकी पड़ गई। Oh, no. इस एरिया में भी तकरीबन दुकानें खुली है, ऐसा लग रहा है रात का 8 बजे का माहौल है, मगर है 3:15 सुबह के। ₹500 में रेडीमेड सूट करते भाई, और जबरदस्त डालेगा ना दुकान वालों के भाई, चांद दिख गया रेट गिर गया। ये तो पॉपुलर डायलॉग है यहाँ के हैदराबाद के दुकान वालों का। ये है बेल्टों की शॉप, एक्सेसरीज, जेंट्स एक्सेसरीज, अच्छे वॉचेस अच्छे हैं। आज दूध का कारोबार दबा गया था, दूध का, गोश्त का, चिकन का, सही बात है। और इडली डोसे का तो रात भर, पूरा महीना था रमजान का, रात भर, आज आखिरी दिन है रात में, अब इसके बाद सुबह में ही मिलेगा। हैदराबाद में खास तौर बात यह है कि रात भर दबा के इडली डोसे का बिजनेस चलता, ये कुछ ऐसा होटल है। यहाँ का माहौल चेक करो भाई, यहाँ तो ऐसा दिख रहा है कि 8 बजे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ट्रैफिक जाम 3:30 बजे, ट्रैफिक जाम।
तो गाइस अभी मैं घर पे आ गया, अभी तकरीबन 4 बजने को आ गए, तो बहुत ज़्यादा थक गया मैं, नींद भी बहुत आ रही है। घर में सब जने सो गए, अभी मैं भी सोने की तैयारी करता हूँ। इंशाल्लाह उठा तो फजर में उठने की कोशिश करूँगा, नमाज़ पढ़ के फिर सो जाऊँगा। फिर उसके बाद ईद की नमाज़ की तैयारी करना है, उठना है, नहाना है, फिर नमाज़ के लिए जाना है। तो बहुत थक गया अभी मैं, जाके सो जाता हूँ मैं। और तकरीबन आज मैं 3 किलोमीटर पैदल चला ब्लॉग बनाने के खातिर, तो मेरी इस मेहनत कैसे, कम से कम एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, देख पड़े रहता कोई कर दो क्या होता। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो कल का ब्लॉग खास रहेगा क्योंकि कल है ईद, और कल मैं अपना दिन भर, कल मेरी ईद कैसा गुजरती, मेरा दिन कैसा गुजरता वो मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ।